तो गाइस फाइनली कीर्ति मेहरा ने एलवी शैडो को लेकर काफी कुछ बोला है एंड अपने बारे में रिवील किया है। इसके अलावा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को लेकर आई है बड़ी खबर और आपको टॉप फाइनलिस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सभी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो अभी जो 6 कंटेस्टेंट घर के अंदर थे उनमें से एक और कंटेस्टेंट घर से बाहर हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जिया शंकर अभी घर से आउट हो चुकी है और अभी जो घर के टॉप फाइनलिस्ट है उनमें नाम है अभिषेक मरन, एलवी शैडो, निशा रानी, बेबिका और पूजा भट्ट। और इन पांचों में से कौन जीतेगा बिग बॉस की ट्रॉफी, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। इसके बाद हम बात करते हैं कीर्ति मेहरा के बारे में, जो कि पहले एलवी शैडो के साथ रिलेशनशिप में थी। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर एलवी शैडो को लेकर कुछ बात की है, तो चलिए आप लोग खुद देख लीजिए कि उन्होंने क्या बोला। मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं, तो मैं भूल तो नहीं सकती। सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ। अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। मैंने तो आके सबको बोला है हाँ था। जो बिग बॉस में के आई जो उन्होंने बोला है, वो क्या आप हैं या फिर यार मतलब या फिर कोई किल्विश? क्यों बोला उसने के आई ऐसे? ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया, और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना।